स्ट्रीट इज न्यूज़ रियल टाइम। बाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बाढ़ एसडीएम के नेतृत्व में बाढ़ में कई जगहों को किया गया सील। बाढ़ कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार के नेतृत्व में बाढ़ बाजार, बाजीतपुर रोड, स्टेशन रोड और पोस्ट ऑफिस गली को बांस की बैरिकेडिंग लगाकर सील किया जा रहा है। वहीं रोड पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का नहीं पालन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया, साथ ही कईयों को कड़ी हिदायत देकर छोड़ा गया। वहीं समय सारणी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को भी सील कर दिया। इस संदर्भ में बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार ने बताया, सरकार का निर्देश है कि जहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं उसको एपी सेंटर मानते हुए आसपास के इलाकों को सील किया जाता है और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसी के मद्देनजर बाढ़ बाजार में बार बार मना करने के बावजूद भी भीड़ भाड़ देखी जा रही थी। यहां फल और सब्जी विक्रेता सहित कई विक्रेता निर्धारित समय का उल्लंघन करते हुए बेचे देखे जाते थे। इसी को देखते हुए बाढ़ इलाके में कई जगह को बांस के बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट।